फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वाल से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहाड़ों के हसीन वादियों के बीच से आज का एक और नया ब्लॉग। मौसम की बात करें तो आजकल अच्छी सी धूप खिली रहती है सुबह से शाम तक, और पता भी नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ दिसंबर का महीना लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है आजकल भी मार्च का महीना लगा होगा। तो इतनी ज़्यादा ना और इतनी तेज़ धूप रहती है दिन में, लेकिन सुबह शाम तो थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, लेकिन दिन में फुल धूप रहती है यहाँ और मजे से हम धूप देखते हैं। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे पिजोरे मेरे। आज है मेरे ताई जी की 13वीं, और अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं पूरी। रोटी हमने बना दी और अब बना रहे हैं यहाँ पे पूरी। इसके बाद बनाएंगे पकौड़ी, और ये रखी हुई है यहाँ पे तेल की कढ़ाई। यहाँ पे पूरी बना रहे हैं भाभी जी, और ये है मेरी लगती है बुआरी, भुल्ले की बुआरी है छोटी बहू। तो फटाफट से पूरी बनाते, इसके बाद बनाएंगे पकौड़ी। अभी सुबह की करीब 10:30 हो चुकी है, और अब लेंगे गर्मा गर्म चाय का मजा, क्योंकि नाश्ता करने की आदत है 9 बजे, और आज हो गई है 10:30, तो भूख जैसे लगे है। तो आज चाय में चल रहा हमारा काम फिलहाल। तो ताई तो पी नहीं रही चाय, अभी बिंद्र होना हाँ मैं बिंद्र भूल यहाँ पे बन रहा है खाना। दियांशु, हाँ क्या मंदिर की फोटो तो खींच चल मेरी के। अभी मैं रोटी बना के भी आ गई हूँ ताई जी के घर से, और अभी आ गए हैं हम अपने घर में, और एक ताई जी की लड़की है यहाँ पे, और स्पेशली आ रखे है आज संतरा खाने के लिए। तो हम बनाएंगे अभी खटाई, और वो छील ली अभी संतरा। तो ये रही मेरे ताई जी की लड़की, और स्पेशली खटाई खाने के लिए आ रखे हमारे घर में। वैसे तो पता नहीं आती नहीं आती, कोई भरोसा नहीं था। तो अभी बनाएंगे हम खटाई एक थाली भर के। ये तो मेरी मम्मी, और ये है भाई, ये है हिमानी की बेटी यानी मेरी ताई की नातिनी, है ना? कर तो हाई कर, हाई कर दे, हाई कर दे सभी को, कर दे। नहीं करेगी? ओ फोन पे लगे, क्या देख रही? अभी
और आजकल अच्छी सी धूप खिली रहती है, ऐसा लग रहा है मई का महीना लगा हुआ है। हमारे गांव में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पे पता नहीं चला कि दिसंबर का महीना लगा होगा, बिल्कुल मई जून की फीलिंग आ रही है आजकल भी। यहाँ पे तो ना बोले हो गई है लगभग खटाई तैयार। अरे हाँ से पहले फिर क्या लगी मिर्च की खटाई का आनंद देती हुई, मुंह से पानी आने लग गया। संतरे की खटाई, इस साल की पहली खटाई है ये जो हमने अभी बनाया। किसके लिए है? तो दादी के लिए, दादी तो घर से आ रखे थे ढक्कन लेके। खटाई होगी तैयार, तो चलिए लेते हैं खटाई का मजा। खटाई दिखूंगी, तो पे खटाई जाए। गिरना मत, वहां से नीचे चोट लग जाएगी। ये ले रहे हैं यहाँ पर खटाई का आनंद, खटाई का आनंद लेते हुए धूप का मजा सेकते हुए। आज हमें ताई जी की 13वीं, तो सुबह से हम वहीं थे और अभी मैं आई रोटी बना के, पूरी पकौड़ी वगैरह वगैरह बनाए वहाँ पे। तो अभी मैं घर पे आई और घर पे आके नहाना धोना हुआ, तो अब चलते हैं वहाँ, क्योंकि अभी वहाँ होती है गायदान, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, यानी गोदान, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारे पहाड़ों में 13वीं में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। और सभी अभी बच्चिया की पूंछ पे टच हो रही है। मातुल बंसे यमाकुला पितृ बंसे भार्गव त्रिप्रांतु त्रिप्रांतु को अगर परवान में कोई जन्म आज बल जाने संतान इत्यादि निचे कोई माने उचित उन और विस्मरण अल्प मृत्यु जातु ज्येष्ठ याम ते हो गो ब्राह्मणाय जगत जिताय हो शास्त्र रूपेण अभी अभी था चार प्रथम अनि जन्म तर्क पानी चो पानी पानी बिन संति पदे यानी कानी चपा पानी जन्म तर्क सा दूर कर न लाटी भी मन लु यानी कानी चपा पानी जन्म तर्क तानी चो ताक्षणाम च पदे पदे यानी कानी तर्क तानी चो तानी तानी बिन संति दक्षिणाम च पदे पदे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवः स्वस्ति न पूपो वीरश्मदिर्मे ददातु पायो पृथिव्यां पायो ओ कदाय पायो। अभी यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई है, तो अब यहाँ पे लोग खाना खाने लग गए हैं, तो हम बाद में खाएंगे परिवार वाले, क्योंकि लोग जब खाना खाएंगे तो साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, तो हम खाएंगे बाद में। और अभी यहाँ पे मैं और भाभी हैं, तो दो परिवार हम हो गए और दो हैं वहाँ पे, उनका काम है वहाँ कुछ, तो हम दोनों यहाँ पे धूप का आनंद ले रहे हैं बराती घर में। तो यहाँ पे बराती घर बना हुआ है और वहाँ साइड में पंचायत घर, तो वहाँ पे बन रहा हमारा खाना पीना। और पे हमारा पुराना घर था, तो अब हमने उधर बना दिया है अपना नया घर, और दो ताऊ लोगों ने ऊपर बना दिया है, और पुराना घर ये है हमारा यहाँ से और यहाँ तक, पूरा पहले एक ही था और अब तो यहाँ पे तीन परिवार रहते हैं, पहले सारा एक ही था, और हमारा जो कुल देवता है वो भी यहीं रहता, और यहाँ पे लोग बैठ के खाना खाने के लिए, कुल जो तो हमारा यही है सबका इस वाले मकान पे है। खाने की तैयारी शुरू, यहाँ पे खाना शुरू हो गया है बंटना, फल वगैरह सब्जी वगैरह।
अब ना सोमवार खेल। अभी यहाँ पे लोगों ने खाना खा दिया है तो अब हम इनको करते हैं फटाफट साफ और उसके बाद हम भी खाते हैं खाना। टाइम भी लगभग 2 हो गई। अभी मैं खाना खा के घर में आ गई हूँ और अब वहाँ का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, सिर्फ बचा हुआ है बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन धोने के लिए मेरी मम्मी जाएगी क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं तो मैं उनको पढ़ाऊँगी, इसलिए लट्टा दुई तरह में दुई की वीडियो मान लेगी वे ये काकू ने किसकी टोपी रखी हुई है। क्यों कर रहा ऐसा कर। अभी शाम की 5 बज चुके हैं तो अभी मैं हूँ दियांश के साथ। अच्छा काकू दियांश बस क्योंकि दियांश की मम्मी जा रखे हैं मम्मी के साथ ऊपर गौशाला में, तो मम्मी के पास ना कुछ ज्यादा बर्तन हो गए थे, पानी का डिब्बा घास कांडी, तो उसको रखने जा रखे है और मैं हूँ अभी इसके साथ। तो उधर भागने पर लगा हुआ है ये क्योंकि काकू भाग गया है ट्यूशन वाले बच्चों के साथ और वो पता नहीं वहाँ फिर से और यहाँ भाग के आ गया तो है साला, दिमाग खराब कर रहा है। बहुत आफत निकाल रहा है तो ये छोटा पर आफत ऐसे आफत निकाल रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।